अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुर्तजा खान और आप देख रहे हैं मुर्तजा स्टोरीज। दोस्तों, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता कानून यानी नागरिकता संशोधन कानून जो है वो लागू तो हो गया है, पर उसके बाद ये चर्चा चल रही है कि एनआरसी आएगी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी आपको नागरिकता साबित करनी पड़ेगी। लोग ये सोच रहे हैं कि नागरिकता साबित करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट दिखाए जाएंगे एनआरसी वालों को जो देखने आएंगे कि आप इस देश के नागरिक हैं, हमें ऐसा सबूत दिखाइए। पर दोस्तों, कुछ लोग ऐसा बातें उड़ा रहे हैं कि पासपोर्ट, आईडी कार्ड यानी आइडेंटिटी कार्ड जिससे हम वोटर आईडी बोलते हैं, और आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक, बैंक, ये सब चीज़ें जो हैं उससे आपकी नागरिकता साबित नहीं होगी। पर दोस्तों, मैं आपको दो ऐसे डॉक्यूमेंट बताऊंगा जिससे साबित हो जाएगा कि आप इसी देश के नागरिक हैं। अगर आपके पास ही वो दो डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप वो जल्द से जल्द बनवा लीजिएगा। तो वो कौन से डॉक्यूमेंट है दोस्तों, मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप भी मानते हैं कि एनआरसी और सीए इस देश में लागू नहीं होना चाहिए तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक कर दिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दिए ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊंगा दोस्तों आपको पता चल जाए। दोस्तों, मुंबई की हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। फैसला 2017 का है। दो लड़कों को पकड़ा था, दो आदमियों को पकड़ा था जिसका नाम था मोहम्मद मुल्ला, और उन मुल्ला 57 साल के थे, मोहम्मद मुल्ला, और उनका ही एक बेटा था मोहम्मद सैफुल्ला। इन दोनों लोगों को पकड़ लिया था 2017 में मुंबई की पुलिस ने, और उनको इसलिए पकड़ा था कि ये बांग्लादेशी बोलते हैं, बांग्लादेशी भाषा बोलते हैं, ये बांग्लादेशी नागरिक हैं और ये घुसपैठिया हैं, इसलिए इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। पर दोस्तों, 19 दिसंबर 2019 को मुंबई की हाई कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया। तो फैसला दोस्तों ये सुनाया कि उन दोनों आदमियों ने मुंबई हाई कोर्ट में अपना वोटर आईडी और पासपोर्ट दिखाया। पासपोर्ट दिखाने के बाद मुंबई हाई कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया कि ये इसी देश के नागरिक है। यानी अब इससे साबित यह होता है कि अगर आपके पास पासपोर्ट है और वोटर आईडी है तो आप भी इस देश के नागरिक है। अगर दोस्तों आपके पास वोटर आईडी नहीं है और पासपोर्ट नहीं है तो इस दोनों चीजों को आप जल्द से जल्द बनवा लिए, क्योंकि अब मुंबई की हाई कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया। कहा है कि 2017 में जो दो लोगों को पकड़ा था उन्होंने ये दोनों चीजें कोर्ट में दिखाई, पासपोर्ट और वोटर आईडी, इंडियन दोनों चीजें दिखाई, तो उनको मान लिया गया कि आप इसी देश के नागरिक है। दोस्तों, ये वाली वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए। जिसके पास भी पासपोर्ट वोटर आईडी नहीं होगा, जिस इस वीडियो को देख के वो जल्द से जल्द बनवा लिए। चलिए दोस्तों, आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आप क्या सोचते हैं इस एनआरसी को लेकर, मुंबई हाई कोर्ट ने जो इस पर फैसला सुनाया इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया। आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दिए ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।